हमारी पहुंच, आपकी ताकत। गुजरात की तमाम 26 सीटों के लिए एक ही मरहले में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में एक लंबे अरसे से मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया। आखिरी मरतमा अहमद भाई पटेल भरूच लोकसभा सीट से पार्लियामेंट गए थे। हालांकि कांग्रेस ने कई बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट जरूर दिया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी ने तो रियासत में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कभी किसी मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा ही नहीं। मुस्लिम तंजीमों ने इस मरतबा कांग्रेस और बीजेपी से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का मुतालबा जरूर किया है। वो सेकुलर डेमोक्रेसी मुल्क है और पार्लियामेंट में तमाम ही कास्ट और तमाम ही रिलीजन के लोगों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारी तमाम पार्टियों से डिमांड ये है कि मुसलमान जितना कुछ इस मुल्क में हैं या हमारे रियासत में जितना परसेंटेज उनका है, उस तनासुब के एतबार से उनको सीट मिलनी चाहिए। सब पार्टियों से, जो भी पार्टियाँ इस देश के जमहूरियत और डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा रखती हैं, दावा तो सब करती हैं, लेकिन जो है उनको अगर इस मुल्क के मुसलमानों से उनका अगर मोहब्बत है और इस मुल्क के मुसलमानों को वो मुख्य धारा के अंदर लाना चाहते हैं, तो वो फिर जो है मुसलमानों को फौकियत दे, मुसलमानों को तरजीह दें, को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, ताकि कम से कम जो है ये दुनिया के अंदर ये पैगाम जाए इस मुल्क की डेमोक्रेसी का, इस मुल्क की जमहूरियत का। सियासी पार्टियों से डिमांड तब ये रह गया कि मुसलमानों के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, देश के लिए कुछ अच्छा कर ले तो अच्छा, हम समझते हैं अगर देश के लिए भलाई होगी तो हमारी भलाई। डेवलपमेंट बोर्ड ने एक पॉलिटिकल विंग तैयार की है, उसके अंदर गुजरात के अंदर एक जायजा कमेटी बनाई है। उस जायजा कमेटी के अंदर हम एक ये लेकर चल रहे हैं कि सियासी बेदारी दूर करने के लिए और सभी मुस्लिम समाज के लोगों से एक अपील करते हैं कि मुस्लिम मत का विभाजन ना हो और मुस्लिम वोट एक एक जगह हो। अभी हमें पार्टी नहीं देखनी, अब जो पार्टी हमको सियासी के अंदर हिस्सा दे, सियासत में हिस्सा देगी, हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे, उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे।